आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2019 में किस किस व्यक्ति को और किस क्षेत्र में और किस लिए इनको मिला है और ये कहाँ से हैं, सारे प्रश्न हम देखेंगे। नोबेल पुरस्कार से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ जाइए अभी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 1833 में हुआ था और इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी, और इनकी मृत्यु जो 1896 में हो गई। इनकी जितनी भी रकम थी दोस्तों, उसका पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। देखिए, पहले पांच क्षेत्र में दिया जाता था। 1967 से अर्थशास्त्र का आरंभ कर दिया गया क्षेत्र, और 1979 में पहली बार दिया गया था। यहाँ दोस्तों, पहले चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है, भौतिक है, रसायन है, अर्थात जी हाँ दोस्तों, ये छः क्षेत्रों में अब दिया जाता है। पहले पांच क्षेत्र ही थे, अब छः क्षेत्रों में दिया जाता है 67 से। देखिए दोस्तों, इसमें राशि जो दी जाती है 11,10,000 अमेरिकी डॉलर दी जाती है, और जो उसमें पुरस्कार दिया जाता है वो 200 ग्राम का 23 कैरेट का सोने का होता है। तो आप लोग समझते होंगे बहुत बड़ी रकम है दोस्तों नोबेल पुरस्कार की। तो देखते हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान में अकीरा योशिनो जो कि जापान के हैं, और एम स्टैनली विटिंगम ब्रिटिश के हैं, और जॉन बी गुडिनफ जर्मनी के। जी हाँ दोस्तों, सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है ये यही है, जॉन बी गुडिनफ, जो कि जर्मनी के 97 वर्ष के हैं। और इन सभी को दोस्तों लिथियम आयन बैटरी जी हाँ दोस्तों, जो हम मोबाइल लैपटॉप इन सब में उपयोग करते हैं उसी बैटरी के रिसर्च के लिए दिया गया है। ये तीनों व्यक्ति हैं, इनका फ़ोटो भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फ़ोटो भी मैंने बना दिया है आप लोग के लिए। दूसरा देखते हैं चिकित्सा का दोस्तों, तो विलियम जे केलिन जो कि अमेरिका के हैं, ग्रेग एल सेमेंजा ये भी अमेरिका के हैं, और सर पीटर जे रैडक्लिफ ये ब्रिटिश हैं। इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इन तीनों को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इनसे प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों प्लीज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों भौतिक का। जी हाँ दोस्तों, जेम्स पीवल्स जो कि अमेरिकी व्यक्ति हैं, और दूसरे नंबर पे हैं मिशेल मेयर जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं, और तीसरे हैं दोस्तों डीडीआर क्वेलोज ये भी स्विट्ज़रलैंड के हैं। इन तीनों व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है 2019 में, इन तीनों व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है इस बार। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मतलब कि नेक्स्ट सब्जेक्ट जी दोस्तों ये साहित्य का है। पीटर हैंडक हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनको इस बार 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है पीटर हैंडक को। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, सबको याद कर लीजिए, सबको वीडियो को अंत तक देखिएगा सारी जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों साहित्य में बात कर लेते हैं, साहित्य 2019 का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडक कहीं देता है को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की विशेषता और परिधि के बाहर एक प्रभावशाली काम करने के लिए दिया गया है इस बार। अभी अहमद अली हैं जो कि इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम किए हैं अहमद अली, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके बारे में भी हम कुछ डिटेल देख लेते हैं, क्यों इनको दिया जा रहा है दोस्तों। इनको
नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को नोबेल पुरस्कार 2019 देने की फैसला किया है। उन्हें यह पुरस्कार शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयासों के और विशेष रूप से पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ 2 दशक से भी अधिक समय से चले आ रहे संघर्ष को ख़त्म करते हुए उसके साथ शांति स्थापित करने के लिए दिया गया है। यानी कि ये अपने पड़ोसी देश के साथ इतना शांति स्थापित किए हैं कि इनसे खुश होकर इनको नोबेल पुरस्कार शांति का दिया जा रहा है। उन्हें 9 मिलियन क्रोनर या 918,000 डॉलर का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण पदक और 1 डिप्लोमा दिया जाएगा। ये रहे इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए दोस्तों, जिसकी वजह से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी भी आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। आप लोग को इसी तरह की अपडेट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, नेक्स्ट किस क्षेत्र में दिया गया है, क्या दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग का बचा अर्थशास्त्र। तो दोस्तों जैसे वो मिल जा रहा है अवार्ड, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या किसी भी तरह से वो भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।